हे गाइस, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सभी? तो मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट हो गया है एंड अब मैं करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट. तो ऑब्वियसली मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट क्लीनिंग से होगा, तो मैं क्लीनिंग करके स्टार्ट करने वाली हूँ. तो यहाँ पर मैंने ले लिया है क्लीनिंग के लिए एक कॉटन कपड़ा एंड वाटर लिक्विड डिटर्जेंट वाला. तो मुझे आज ये करनी है ड्रेसिंग टेबल साफ, प्लस ये बेड का फर्नीचर. उसके बाद एंड देन फिर मुझे सारे घर में झाड़ू मॉपिंग ये सब कुछ करना है. एंड अभी सुबह के 6:15 टाइम हो रहा है और अब मैं साफ सफाई अपनी शुरू करती हूँ. और तो साफ सफाई तो आपने बहुत बार देख ली है, तो मैं साफ सफाई कर लेती हूँ. उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ शावल लेके. अभी मैं शावल लेके आ गई हूँ, सारा काम फिनिश हो गया है एंड अब मैं करूंगी अपना थोड़ा सा स्किन केयर. और उसके बाद थोड़े से अपने बाल बाल टक कर लूंगी. और आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट दे रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच. हर एक वीडियो में आपका थैंकफुल मैं करती हूँ, सो प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा. और ये देखिए बाल मेरे, आज मुझे ना हैवी हेयर ऑयलिंग करना है क्योंकि आप सभी लोगों का रिक्वेस्ट था. कितने ज्यादा बाल ना, मुझे लग रहा है कि बस मुझे कर लेना चाहिए हेयर ऑयलिंग. गर्मी में बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है कि हेयर ऑयलिंग करूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील आ रहा है कि कर लेना चाहिए. एंड कल ही मैंने हेयर वॉश किए हैं तो बाल भी मेरे एकदम क्लीन है. तो हैवी हेयर ऑयलिंग करूंगी मैं दोपहर के टाइम. उससे पहले मुझे घर का काम फिनिश करना होगा, फिर मैं थोड़ा सा अपना मेकअप वेकअप करके और फिर आपसे मिलती हूँ. थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँ, बालों को अच्छे से टक कर लूँ. मेकअप में कुछ नहीं, सिंपल सा मेकअप, सिर्फ लिपस्टिक दिख रही होगी आपको और कुछ नहीं, और बिंदी. ओके, तो अभी मैं आपको हैंकी टक करके बताती हूँ. एंड आप लोगों को ना डबल हैंकी बहुत पसंद आया, तो आज मैंने वापस से मैंने अपने हबी का हैंकी एंड एक मेरा हैंकी लिया है, तो इसको मैं आपको टक करके बता दूँ. एंड ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं लॉन्ग करूंगी एंड इसको थोड़ा सा शॉर्ट, तो इसको मैं टक करती हूँ. एंड वापस इसको सेम वे से तो अच्छे से मैं अपना एक रफली बन बना लूंगी, मिस्सी बन बना लूंगी, जो भी आप समझो. तो वही मैं बना लेती हूँ. अब
चलते हैं लंच बनाने के लिए, उसके बाद में आपको मिलती हूँ एंड तब हम शेयर करेंगे हैवी हेयर ऑयलिंग विद लो बेस साड़ी। गाइज अभी मैं लंच बना रही हूँ एंड आज मैं बना रही हूँ आलू परवल की सब्जी एंड ये सब्जी हमारे घर पे सभी को पसंद आती है तो मैं वही बना लूंगी। एंड मैंने यहाँ पर दूध पका लिया है और अभी ना मैंने ये धनिया पाउडर इसको ग्राइंड किया है, तो धनिया पाउडर है या मिर्ची का पाउडर है या गरम मसाला है इन सभी को मैं अपने घर पर ही ग्राइंड करती हूँ एंड अपने घर पर फ्रेश पाउडर्स बनाती हूँ। मैं कभी भी बाजार से नहीं मंगाती हूँ क्योंकि मुझे भी ना पर्सनली मुझे ना घर के ही सारे मसाले पसंद है, मुझे बाजार के नहीं है पसंद, तो मैं पैकेट्स वाले यूज नहीं करती हूँ, यही यूज करती हूँ। धनिया पाउडर मैंने पीस लिया है और अभी यहाँ पर मेरी चाय का डिब्बा मैंने भर दिया है और ये देखिए ये पैकेट्स पड़ा हुआ है तो इसको मैं रख दूंगी। एंड इसको मैं रखने से पहले क्या करूंगी, इसको एक तरीके से ना यहाँ से पैक कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं खाना बनाती हूँ तो मीन वाइज इस तरीके से ऐसे इसको जला के थोड़ा सा हॉट इसको जला के और एक तरीके से कर देते हैं। तो देखिए अभी मैं करती हूँ ये बिल्कुल पैक हो जाएगा, फिर मैं इसको एक कंटेनर में इस तरीके से अच्छे से रख दूंगी ताकि ये दूसरी बार काम आ सके और ये फैले भी नहीं। एंड ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पैक हो गया है, तो इसको मैं रख दूंगी और ये भी रख दूंगी और अब बस आटा वगैरह गूंथ के और लंच बना लूंगी। एंड आज ना हमारे घर में मेरी छोटी काकू मॉम आई हुई है तो इसीलिए थोड़ी सी आवाज हो रही है, तो जो इंसान एंड घर में मैं तो बोलती नहीं, बहुत सारे लोग होते तो सब लोग बोलते रहते हैं याद मत रखेगा और तो आप माइंड मत कीजिएगा। मैंने लिया है कोकोनट ऑयल, यू कैन सी मेरे पास ये छोटा सा पैक पड़ा हुआ था, तो आज मैं आपको इससे हेयर ऑयलिंग करके बताने वाली हूँ। वैसे तो मैं सीसा हेयर ऑयलिंग का यूज करती हूँ लेकिन आप लोगों का रिक्वेस्ट था इसीलिए तो इसको मैं ये बाउल में डाल दूंगी। वैसे बहुत कम बचा हुआ, यू कैन सी देखिए मैं अभी दिखा नहीं सकती हूँ, ये तो पूरा फैल जाएगा तो काफी हैवी हेयर ऑयलिंग है आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। वैसे देखिए इतनी गर्मी में हैवी हेयर ऑयलिंग नहीं करना चाहिए लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट है इसलिए। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को टू पार्ट में डिवाइड कर दूंगी एंड मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में हेयर ऑयलिंग तो बताया ही है और उसके साथ साथ लो बन, तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई करते जाएंगे और हमें रूट्स करने हैं अपने बालों के एंड देन फिर अप्लाई करना है। ये देखिए इस तरीके से रूट्स करती जाऊंगी और फिर अप्लाई करती जाऊंगी। हेयर ऑयलिंग करना चाहिए गाइस, हफ्ते में एटलीस्ट 2 टाइम आपको हेयर ऑयलिंग करना चाहिए। हेयर ऑयलिंग करने से आपके बालों की मसाज हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन बालों में काफी अच्छा होता है, तो उससे क्या होता है आपके बाल बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। बस आपको रूट्स करते जाने हैं, अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ऑयल लगा है और यहाँ नहीं लगा। तो सबसे पहले आप 2 पार्ट में बालों को डिवाइड कर लीजिए और फिर उसके बाद एक साइड कीजिए फिर दूसरी साइड और फिर सब जगह हो जाए फिर आपको सिंपली बालों को पीछे लेके और मसाज करनी है ऐसे ऐसे। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि आपके अगर बाल टूटते हैं, बाल आपके लंबे नहीं हो रहे हैं या तो फिर आपके बालों में डैंड्रफ है
तो इन सारी प्रॉब्लम का मैंने एक सॉल्यूशन बताया है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी। काफी इफेक्टिव होम रेमेडी है गाइस, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, और अब बस जो भी ऑयल बचा होता है उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, उसको भी इस तरीके से हाथों पे लेंगे एंड अपने बालों में लगाएंगे, नीचे वाले बालों में, और फिर अच्छे से कॉम्बिंग करके बन बना लेंगे। और ये देखिए मेरे बालों की हेयर ऑयलिंग, आप देख लीजिए कितना ज्यादा हैवी ऑयल है ना। तो इसको मैं कॉम्बिंग करके और बन बना लेती हूँ। आप चाहो तो इस टाइम ब्रेड बना सकते हो, लेकिन आप लोगों का रिक्वेस्ट था ना मैम आप प्लीज बन बना के बताइए, तो मैं बन बना के आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने बन बना लिया है, देखिए कितना अच्छा बन लगता है। सच में गाइस साड़ी के नीचे बन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, एकदम ऑयली ऑयली वाला देखो कितना वैसा लग रहा। तो गाइस अब मेरा इवनिंग रूटीन स्टार्ट होगा, यानी कि थोड़ा सा डिनर की प्रिपरेशन एंड बस जो मेरा वही नाइट रूटीन होता है वो। तो गाइस यहीं पर मैं ब्लॉग स्टॉप करती हूँ, एंड अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिए एंड कमेंट करके बताएं मुझे आपको ये ब्लॉग कैसा लगा एंड आप और क्या देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, ढेर सारा अपना और अपनी फैमिली का। बाय।